Hello students, I'm Sanjeev Tayal and in this particular video we are going to talk about very important topic of English grammar and the name of the topic is pronoun. So please concentrate. First of all the definition of pronouns. How can we define pronouns? हिंदी में हम क्या बोलते हैं सर्वनाम वो शब्द जिनको संख्या के स्थान पे यूज किया जाता है उन शब्दों को हम क्या बोलते हैं सर्वनाम बोलते हैं तो सर्वनाम का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो क्या है प्रोनाउंस तो वट आर प्रोनाउंस हाउ कैन वी डिफाइन प्रोनाउंस प्रोनाउंस आर दोज वर्ड्स विच आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन प्रोनाउंस वो शब्द हैं जिनको हम नाउन की जगह यूज कर सकते हैं एज फॉर एग्जाम्पल राम राम इज ए गुड बॉय राम जो शब्द है वो अपने आप में क्या है नाउन राम जो शब्द है वो अपने आप में क्या है नाउन राम इज ए गुड बॉय लेकिन अगर हम बार बार राम को लिखेंगे राम इज ए गुड बॉय राम स्टडीज इन द सेवेंथ क्लास तो दैट डजेंट साउंड गुड तो नाउन की रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए प्रोनाउन को यूज किया जाता है तो हम क्या कहेंगे प्रोनाउन्स आर दोज वर्ड्स विच आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन तो राम इज ए गुड बॉय ही स्टडीज इन द क्लास। तो ही का यूज जो है वो किसकी जगह किया गया है राम की जगह राम क्या है नाउन तो नाउन की जगह क्या यूज किया गया है प्रोनाउन तो क्या है प्रोनाउंस क्या है प्रोनाउंस आर दोज वर्ड्स विच आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन ओके नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर अब हम प्रोनाउन की टाइप्स पे ध्यान देंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में जो फर्स्ट टाइप है वो है पर्सनल प्रोनाउन क्या है पर्सनल प्रोनाउन और स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए ये जो शब्द है पर्सनल

I, my, me, we, are us. Second person me, you, your, and yours. Third person me, he, she, it, his, her, him, they, them, or their. मेरे से संबंधित सभी first person me, तुम और तुम्हारा second person me, वह, वे, उनसे संबंधित जो है वो सब किस में रहेगा third person me. तो pronoun की जो first type है dear students वो क्या है personal pronoun. और पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन ओके सो लेट्स प्रोसीड फर्दर देन देखिए अगर हम ध्यान दें अब ये जो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को हम सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें से कुछ प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं उनको सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन बोलते हैं और कुछ प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं उनको ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन बोलते हैं और इनमें से कुछ प्रोनाउन ऐसे हैं जिनका यूज हम पजेशन पजेशन मतलब कब्जा नियंत्रण दिखाने के लिए करते हैं तो वो जो प्रोनाउन है हमारे वो हम किस कैटेगरी में लेते हैं पजेसिव केस में तो पर्सनल प्रोनाउन को उनके यूज के अनुसार हम कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन जिनका यूज सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट करते हैं वो सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन जिनका यूज में एज ऑब्जेक्ट करते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन और वो प्रोनाउन जिनका यूज हम कब्जा नियंत्रण अधिकार दिखाने के लिए यूज करते हैं उनको पजेसिव केस के प्रोनाउन कहा जाता है तो आओ इनको कैटेगराइज करते हैं तो सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन में आई और वी फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन क्या है आई और वी सेकंड पर्सन में यू थर्ड पर्सन में ही शी, इट और दे। फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन क्या है he, she, आई और वी सेकंड पर्सन में यू थर्ड पर्सन में ही शी इट और दे के लिए ऑब्जेक्टिव केस क्या है मी We के लिए ऑब्जेक्टिव केस क्या है Us. और यू के लिए ऑब्जेक्टिव केस ये बाई चांस इधर चला गया है यू के लिए ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहेगा यू के लिए ऑब्जेक्टिव केस क्या रहेगा यू ही रहेगा और ही के लिए ऑब्जेक्टिव केस क्या है हिम शी के लिए क्या है हर इट के लिए क्या है इट और दे के लिए ऑब्जेक्टिव केस क्या है दम तो आई के लिए ऑब्जेक्टिव केस मी वी के लिए अस यू के लिए यू ही के लिए हिम शी के लिए हर इट के लिए इट और दे के लिए देम। और अगर हम पजेसिव केस की बात करें आई के लिए पजेसिव केस क्या है माई वी के लिए आर यू के लिए योर ही के लिए हिज शी के लिए हर इट के लिए इट्स दे के लिए देयर पजेसिव केस अधिकार दिखाने के लिए देखिए ये हमें पजेसिव केस के प्रोनाउन लगते हैं माई आर योर हिज हर इट्स लेकिन ये पजेसिव केस के प्रोनाउन नहीं है ये पजेसिव केस के एजेक्टिव है तो फिर पजेसिव केस के प्रोनाउन क्या है माई के लिए पजेसिव केस का प्रोनाउन है माइन आर के लिए आर्स योर के लिए योर्स राइट हिज के लिए हिज ही रहेगा ये हिम नहीं है हिज के लिए हिज ही रहेगा और हर के लिए क्या रहेगा हर्स इट्स के लिए कोई नहीं रहेगा और देर के लिए there's. ये है पजेसिव केस के प्रोनाउन और ये है पजेसिव केस के एजेक्टिव हम इस बात को प्रूव करेंगे दिस इज माय बुक एक तो सेंटेंस हम ये लिखें दिस इज माय बुक और एक सेंटेंस हम ये लिखें दिस बुक इज माइन देखिए दिस इज माई बुक बुक शब्द यहां पर क्या है नाउन बुक शब्द क्या है नाउन और बुक के ऊपर पजेशन दिखाने के लिए इसने क्या शब्द यूज किया है माई कैसी बुक माई बुक तो माई जो शब्द है वो बुक को क्वालिफाई कर रहा है बुक की विशेषता बता रहा है बुक क्या है नाउन और नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द क्या होता है एजेक्टिव नाउन की विशेषता बताने वाला क्या होता है शब्द जो है वो नाउन की विशेषता बता रहा है नाउन के साथ लगकर नाउन की विशेषता बता रहा है नाउन को कर रहा है 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 तो ये जो शब्द है, ये जो शब्द और इसका यूज पोजेशन दिखाने के लिए किया गया है तो ये पोजेसिव केस का एडजेक्टिव है और इसी को हम कैसे लिख सकते हैं दिस बुक इज माइन अब माइन जो शब्द है उसको किसकी जगह यूज किया गया है बुक की जगह बुक क्या है नाउन तो जो नाउन की जगह यूज किया गया है वो क्या है प्रोनाउन तो माइन जो है वो पजेसिव केस का प्रोनाउन है और माई जो है वो पजेसिव केस का एडजेक्टिव है यू कैन टेक सम मोर एग्जाम्पल दिस इज योर पेन दिस इज योर पेन या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दिस पेन इज दिस पेन इज यस तो देखिए पेन जो शब्द है वो नाउन और योर जो है उसको पेन के साथ यूज किया है पेन की विशेषता बताने के लिए पेन को क्वालिफाई करने के लिए तो योर जो है वो पोजेसिव केस का एड्जेक्टिव है और योर्स अकेला है इसके बाद कोई नाउन नहीं है लेकिन योर्स को नाउन की जगह यूज किया गया है योर्स को नाउन की जगह पेन की जगह पेन क्या है नाउन तो नाउन की जगह यूज किया गया है तो योर्स जो है वो पजेसिव केस का प्रोनाउन है तो योर पजेसिव केस का एडजेक्टिव है और योर्स पजेसिव योर है एड्जेक्टिव तो है, है और माइन पजेसिव केस का प्रोनाउन है आर एडजेक्टिव है आर्स प्रोनाउन है योर एडजेक्टिव है और योर्स प्रोनाउन है his, his, हर हर्स देयर तो ये ध्यान दे आप दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट तो यहां पर हमने पर्सनल प्रोनाउन को कैटेगराइज किया कुछ प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस के हैं कुछ ऑब्जेक्टिव केस के हैं और कुछ पजेसिव केस के प्रोनाउन है आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट कंसेप्ट नाउ अब ये जो पर्सनल प्रोनाउन है सेंटेंस में हमें फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को इकट्ठा यूज करना है तीनों पर्सन को किसी सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट इकट्ठा यूज करना है या तीन में से कोई दो यूज करने हैं तो इनका ऑर्डर क्या रहेगा क्रम क्या रहेगा किस ऑर्डर में हम इनको यूज करेंगे अब अगर ये है सिंगुलर अब पर्सनल प्रोनाउन का ऑर्डर क्या रहेगा स्पेसिफिकली सिंगुलर प्रोनाउन के लिए देखिए सामान्यतः जनरली जो पजे, जो ये पर्सनल प्रोनाउन है अगर इन तीनों को या इनमें से किन्हीं दो को सेंटेंस में यूज करना है और वो सिंगुलर प्रोनाउन है तो उनका ऑर्डर जो है वो क्या रहेगा पहले सेकंड फिर थर्ड और फिर फर्स्ट क्या ऑर्डर रहेगा पहले सेकंड फिर थर्ड और फिर फर्स्ट तीनों हो या तीनों में से कोई दो हो तो हम ये ऑर्डर यूज करेंगे पहले सेकंड फिर थर्ड और फर्स्ट अगर एक सामान्य सेंटेंस है और सिंगुलर प्रोनाउन है यू ही एंड आई शेल स्टडी फॉर द एग्जाम्स तुम वह और मैं एग्जाम के लिए स्टडी करेंगे अब यू क्या है सेकेंड पर्सन ही क्या है थर्ड पर्सन और आई क्या है फर्स्ट पर्सन तो यही ऑर्डर हमने यूज किया सेकेंड थर्ड और फर्स्ट ही एंड आई वर्क देखिए यहां तीन थे तो यहां दो हैं क्या ऑर्डर है पहले थर्ड और फिर फर्स्ट पहले थर्ड फिर फर्स्ट तो यही ऑर्डर है चाहे तीन है या दो है यू एंड ही ग्रेट जॉब यू एंड ही हैव डन ए ग्रेट जॉब तो देखिए यहां क्या है पहले सेकंड और फिर थर्ड तो यही ऑर्डर है जो हम बार बार यूज कर रहे हैं अगर सिंगुलर प्रोनाउन है और जनरल सेंटेंस है सामान्य सेंटेंस है तो हम सेकंड, थर्ड और फर्स्ट का ऑर्डर यूज करेंगे अगर तीनों को या कि दो को इकट्ठा यूज करना है <coughs> लेकिन अगर सेंटेंस में अपनी कोई गलती दोष या भूल स्वीकार की गई है सुनिए मेरी बात को ध्यान से अगर सेंटेंस में कोई गलती अपनी कोई गलती दोष या भूल स्वीकार की गई है कोई गिल्ट का भाव है आत्मदोष या आत्मग्लैनी का भाव है तब क्या होता है तब ऑर्डर क्या हो जाएगा फर्स्ट सेकंड और थर्ड देखिए सही बात क्या है कि जब गलती होती है तो पहले अपनी गलती मानते हैं अपनी मतलब फर्स्ट पर्सन तो अगर सेंटेंस में गलती दोष या भूल का भाव है तो पहले ऑर्डर क्या रहेगा फिर फर्स्ट सेकंड और थर्ड आई यू एंड ही हैव मेड ए ब्लंडर मैंने तुमने और उसने एक ब्लंडर ब्लंडर मतलब बहुत बड़ी गलती की है डर मतलब ए बिग मिस्टेक तो देखिए क्या ऑर्डर है पहले फर्स्ट फिर क्या है यू सेकंड और ही क्या है थर्ड तो यहां क्या ऑर्डर हमने लिया क्योंकि यहां गलती दो तुम मैंने तुमने और उसने बहुत बड़ी गलती की है अपनी गलती मानी जा रही है तो फिर क्या भाव आ गया पहले फर्स्ट फिर सेकंड और फिर थर्ड यू एंड ही हैव डन दिस मिस तुमने और उसने गलती की है मिस मतलब शरारत तुमने और उसने शरारत की है तो यहां भी गलती दोष भूल का भाव है तो पहले सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन यही ऑर्डर हम यूज कर रहे हैं तो अगर सामान्य भाव है तो सेकंड थर्ड और फर्स्ट गलती दोष भूल आत्म दोष आत्म ग्लैनी का भाव है तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड लेकिन यह तो हुआ किसके लिए हमारा सामान्यतः जनरल सेंटेंस के लिए अब अगर सेंटेंस में लेकिन अगर यह तो था हमारा सिंगुलर के लिए लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि सेंटेंस में जो है वो सिंगुलर प्रोनाउन नहीं है बल्कि सेंटेंस में प्लूरल प्रोनाउन है तो हम क्या करेंगे देखिए अब उसके ऊपर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालता हूं देखिये अगर सेंटेंस में यह तो सिंगुलर प्रोनाउन के लिए रूल था अगर प्लूरल प्रोनाउन्स है तो क्या रहेगा तो हर कंडीशन में चाहे वो सामान्य भाव है या गलती दोष या भूल का भाव है तो प्लूरल प्रोनाउन पर्सनल प्लूरल प्रोनाउन का ऑर्डर सेंटेंस में क्या रहेगा फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्या रहेगा फर्स्ट सेकंड और थर्ड वी यू एंड दे शुड गो टू वर्क हमें तुम्हें और उन्हें काम पर चलना चाहिए तो पहले क्या है देखिए आप ध्यान से तो ध्यान से देखिए पहले क्या है फर्स्ट पर्सन फिर क्या है सेकेंड पर्सन और फिर क्या है थर्ड पर्सन कि अगर प्यूरल पर्सनल प्रोनाउंस हैं और तीनों को यूज करना है फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन तो फिर ऑर्डर क्या रहेगा फर्स्ट सेकंड और थर्ड जनरल में भी सामान्य भी और गलती दोष और भूल के भाव पर भी ओके तो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट नाउ लेट्स मूव टू अदर कंसेप्ट देखिए अभी हम पर्सनल प्रोनाउन की बात ही कर रहे हैं हमने कुछ पर्सनल प्रोनाउन को कहा था कि वो सब्जेक्टिव केस के हैं कुछ को कहा था ऑब्जेक्टिव केस के हैं और कुछ को हमने कहा था कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके बाद हम ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन ही यूज करते हैं कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके बाद हम ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन ही यूज करते हैं वो क्या है देखिए लेट के बाद कोई भी प्रेपोजिशन है उसके बाद प्रेपोजिशन जैसे एट इन ऑफ बिटवीन बिटवीन के बाद बट और एक्सेप्ट बट और एक्सेप्ट का मतलब के सिवाय बट और एक्सेप्ट का मतलब क्या है के के सिवाय लेट बाद कोई भी है उसके बाद बिटवीन के बाद बट के बाद और एक्सेप्ट के बाद जो भी प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस का होगा ध्यान दें आप बात लेट के बाद प्रेपोजिशन के बाद बिटवीन के बाद बट के बाद एक्सेप्ट के बाद जो प्रोनाउन हम यूज करेंगे वो कौन सी केस के होंगे ऑब्जेक्टिव केस के सब्जेक्टिव केस के नहीं होंगे कौन सी केस के होंगे ऑब्जेक्टिव केस के एग्जाम्पल के तौर पर लेट मी डू दिस वर्क मुझे ये काम करने दो वो एग्जाम में आपको क्या करके देगा लेट आई डू दिस वर्क क्या करके देगा लेट आई डू दिस वर्क लेकिन आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि लेट के बाद जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्टिव केस का नहीं आता है किस केस के आते हैं ऑब्जेक्टिव केस के लेट मी डू दिस वर्क देर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन हर एंड मी बिटवीन के बाद भी जो प्रोनाउन है वो कौन सी केस के हैं ऑब्जेक्टिव केस के हर भी ऑब्जेक्टिव केस है हर का सब्जेक्टिव केस क्या है सभी स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में बोले हर का सब्जेक्टिव केस क्या है शी मी कौन सी केस का है ऑब्जेक्टिव केस का मी का सब्जेक्टिव केस क्या है आई आई सब्जेक्टिव केस है मी ऑब्जेक्टिव केस है और माइन एम आई एन ई ये इनका पजेसिव केस है ये दिमाग में आप बातों को रिवाइज करते रहे तो लेट के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस है बिटवीन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस है आगे देखिए एवरीबॉडी बट हिम वाज प्रेजेंट फॉर द मीटिंग उसके सिवाय हर कोई मीटिंग में प्रेजेंट था उसके सिवाय हर कोई मीटिंग में प्रेजेंट था तो ध्यान दे बट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है क्या आया है डियर स्टूडेंट प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है ऑब्जेक्टिव केस आता है मी कौन सा केस है ऑब्जेक्टिव केस है राइट right? तो और मी ऑब्जेक्टिव केस है इसका सब्जेक्टिव केस क्या है आई लेकिन एट प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन यूज करते हैं तो मी ऑब्जेक्टिव केस एवरी वन अटेंडिड द पार्टी एक्सेप्ट हिम हर किसी ने पार्टी अटेंड की सिवाय उसके तो आप देख रहे हैं एक्सेप्ट के बाद जो प्रोनाउन है वो कौन सी केस का है ऑब्जेक्टिव केस हिम हिम का सब्जेक्टिव केस क्या है ही लेकिन एक्सेप्ट के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज करते हैं तो कौन कौन से शब्द हुए स्टूडेंट्स जिनके बाद हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं लेट है प्रेपोजिशन है बिटवीन है बट है और एक्सेप्ट है इनके बाद हम ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज करते हैं आई होप यू गोट माई पॉइंट ठीक है देखिए ये शब्द जो है मुझे कुछ ध्यान आ रहा है बीच में एक्सेप्ट एक ये एक्सेप्ट है एक एक्सेप्ट ये है और एक है ई सी टी एक्सपेक्ट ये एक्सेप्ट के सिवाई ई एक्सईपीटी के सिवाई को छोड़कर एक्सेप्ट ए पी टी एक्सेप्ट स्वीकार करना राइट एक्सपेक्ट एक्सपीसी e टी -E उम्मीद करना ध्यान दे थोड़ा सा फर्क रहता है एक्सेप्ट एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट दंसेप्ट अब देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है देन टी एच ए एन अब स्टूडेंट्स ध्यान दें कि ये देन भी जो है वो दो तरह के होते हैं अब देन भी जो है वो दो तरह के होते हैं दो तरह के कैसे मैं अभी आपको बताता हूं हां ये देन भी दो तरह के हैं एक तो है टी एच एन और एक है हमारा एक तो हो गया हमारा एन और एक है टी एच ई एन है ना एक तो टी एच एन और एक हो जाता है टी एच ई एन फटाफट कमेंट सेक्शन में बताएं क्या डिफरेंस है टी एच एन ये कंपेरिजन के लिए आता है तुलना के लिए और टी एच ई एन का मतलब क्या है तब टीएचई एन का मतलब क्या है तब और देन किसके लिए आता है कंपेरिजन के लिए है ना तो यहां पर हम कौन से देन की बात कर रहे हैं एच एन जो कि हम कंपेरिजन के लिए यूज करते हैं। तो ध्यान देंगे, अब देन के बाद, हमारा जो पॉइंट है, है वो सब्जेक्टिव केस आएगा या ऑब्जेक्टिव केस आएगा कि के बाद जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्टिव केस आएगा या ऑब्जेक्टिव केस आएगा यह पॉइंट है आई सब्जेक्टिव केस है मी ऑब्जेक्टिव केस है देन के बाद ही आएगा या हिम आएगा ही सब्जेक्टिव केस है और हिम जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है तो एन के बाद प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस आता है या ऑब्जेक्टिव केस आता है दिस इज माई क्वेश्चन अब इसका आंसर सुन लीजिए ध्यान दीजिए एन देन के बाद सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा अगर कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ है और देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा अगर कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ है देन के बाद देन के बाद सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा अगर कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ है और देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा अगर कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ है सब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन तो सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन तो ऑब्जेक्टिव केस ही रन फास्टर देन आई ऑब्लिक मी वह मुझसे तेज दौड़ता है हमने देन के बाद देखना है सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव अब देखिए देन के बाद जो भी लगाना है उसका कंपैरिजन सेंटेंस में किसके साथ है ही के साथ है और ही कौन सी केस का प्रोनाउन है सब्जेक्टिव केस का तो अगर सब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्ट के साथ कंपेरिजन है तो देन के बाद जो प्रोनाउन आएगा वो सब्जेक्टिव केस का आएगा तो क्या आएगा यहां पर आई क्योंकि सब्जेक्ट के साथ कंपेरिजन था तो देन के बाद सब्जेक्टिव केस आएगा ही लव यू मोर देन आई ओब्लिक मी वह तुम्हें ज्यादा लव करता है बजाय कि मुझे वह तुम्हें ज्यादा लव करता है बजाय कि मुझे यहां देन के बाद आपने जो भी लगाना है उसका कंपैरिजन किसके साथ लग रहा है हमें यू के साथ और यू सेंटेंस में सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है देखिए आप ही तो क्या है ही यू लव्स क्या है वर्ब जो वर्ब से पहले है वो क्या है वर्ब का सब्जेक्ट और जो वर्ब के बाद है वो क्या है वर्ब का ऑब्जेक्ट जो वर्ब से पहले है वो क्या है वर्ब का सब्जेक्ट और जो वर्ब के बाद है वो क्या है वर्ब का ऑब्जेक्ट तो देन के बाद हमें जो भी लगाना है उसका कंपेरिजन किसके साथ है ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट के साथ कंपेरिजन है तो देन के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे अगर कंपेरिजन सब्जेक्ट के साथ था तो देन के बाद सब्जेक्टिव केस अगर कंपेरिजन ऑब्जेक्ट के साथ है तो देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस यू गॉट माई पॉइंट आगे देखिए कुछ और एग्जाम्पल आई नो यू मोर देन ही ओब्लिक हिम मैं तुम्हें ज्यादा जानता हूं बजाई की उसके यहां देन के बाद आपने जो भी लगाना है उसका कंपेरिजन किसके साथ है देन के बाद ही या हिम जो भी लगाना है उसका किसके साथ है यू के यू के साथ अब देखो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है देखिए नो क्या है वर्ब जो वर्ब से पहले आता है वो क्या है वर्ब का सब्जेक्ट जो वर्ब के बाद है वो क्या है ऑब्जेक्ट तो देन के बाद जो भी लगाना है उसका कंपेरिजन ऑब्जेक्ट के साथ है तो देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा हिम आएगा यहां पर आई नो यू मोर देन हिम आई रन फास्टर देन देन ही अब यहां then के बाद आपने जो भी प्रोनाउन लगाना है ही ही या him, he या हिम हिम जो भी लगाना है उसका कंपेरिजन किसके साथ है आई के साथ आई क्या है सब्जेक्ट सब्जेक्ट के साथ कंपेरिजन है तो देन के बाद सब्जेक्टिव केस आएगा आई रन फास्टर देन ही मैं उससे तेज दौड़ता हूं आई होप यू गेट माई पॉइंट बाद देन की है टी एच ए एन देन के बाद सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा अगर कंपेरिजन सब्जेक्ट के साथ है और देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा अगर कंपेरिजन ऑब्जेक्ट के साथ है एंड दीज आर सम एग्जांपल्स अब सेम कंसेप्टिस दिस सेम कंसेप्ट सेम कंसेप्ट कैन बी अप्लाइड ऑन एज एज के बाद क्या आता है सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस वही अगर कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ है तो एज के बाद सब्जेक्टिव केस और अगर कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ है तो एज के बाद ऑब्जेक्टिव केस ही इज एज फास्ट एज आई वह मेरे जितना ही तेज है यहां एज के बाद आपने जो भी लगाना है जो भी लगाना है आई या मी उसका कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है ही के साथ है ना और ही क्या है सब्जेक्ट तो एज के बाद हम सब्जेक्टिव केस ही लगाएंगे सब्जेक्टिव केस क्या है आई आई नो यू एज मच एज ही ऑब्लिक हिम मैं तुम्हें भी उतना ही जानता हूं जितना कि उसे यहां एज के बाद आपने ही या हिम जो भी लगाना है उसका कंपेरिजन किसके साथ लग रहा है यू के साथ और यू ही सेंटेंस में क्या है नो no वर्ब है आई सब्जेक्ट है और यू क्या है ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट के साथ कंपेरिजन है तो देन के तो ऑब्जेक्ट के साथ कंपेरिजन है तो एज के बाद क्या आ गया ऑब्जेक्टिव केस यू गोट माई पॉइंट तो एज के बाद भी वही कंसेप्ट है जो देन के लिए सो दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि देन और एज के बाद सब्जेक्टिव केस आएगा या ऑब्जेक्टिव केस आएगा नाउ सो नाउ टिल नाउ माई डियर स्टूडेंट्स वी हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट पर्सनल प्रोनाउन और पर्सनल प्रोनाउन को हमने कुछ कैटेगरीज में कैटेगराइज किया दैट वाज सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस एंड पजेसिव केस यू गोट माय पॉइंट तो आज के लिए इतना काफी है अभी तक हमने पर्सनल प्रोनाउन को डिस्कस किया है आप यहां तक जो आपने किया है उसके नोट्स बनाइए उसको समझिए कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो प्लीज यू कैन कॉल मी माई कॉन्टेक्ट नंबर सेवन टू जीरो अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा आपको लगा कि ये यूजफुल है इससे पहले हमने सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट के कंसेप्ट और उनकी दो एक्सरसाइज आपके साथ डिस्कस की थी और उसके बाद फिर मैंने कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में कुछ टाइम और कंडीशन से संबंधित जो वर्ड्स हैं उनके बारे में आपसे बात की थी और आज हमने प्रोनाउन के बारे में बात की है तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा आपको लगता है कि आपको कुछ यूजफुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मिल रहा है तो प्लीज प्लीज अपने मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ये यूजफुल वीडियो बार बार मिलते रहें और मैं और ज्यादा उत्साहित होकर आपको ज्यादा से अच्छे से अच्छे कंसेप्ट पढ़ाता रहूं थैंक यू थैंक लॉट